बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी कमाल की वीडियो आज की, और आप मुझे पता है दोनों फैंस हैं, कोई स्टार एनोनिमस का फ़ैन है, कोई डकी भाई का फ़ैन है, और कोई दोनों का फ़ैन है जैसे कि मैं। और मुझे ना स्टार एनोनिमस की सस्ती शायरी बड़ी पसंद है, और उधर से डकी भाई की रोस्टिंग बड़ी अच्छी लगती है। तो यार दरअसल मैं इनमें से दोनों के साथ हूँ, और मेरी विश है कि भाई दोनों के 1 मिलियन ना साथ हों। पिछले दिनों ना स्टार एनोनिमस की वीडियो मैंने देखी थी, उन्होंने कहा था कि यार मैं चाहता हूं कि मैं पहला वो इंसान हूं गेमिंग चैनल हो मेरा जो 1 मिलियन क्रॉस करे, और डकी भाई के ज्यादा हैं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। और कह रहे थे कि कंपटीशन चल पड़ा है, तो यार अगर आप स्टार एनोनिमस के बहुत बड़े फैन हैं तो आप जाकर श्योरली उन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप डकी भाई के हैं तो आप डकी भाई को सब्सक्राइब करें, और अगर आप दोनों के हैं तो भाई दोनों को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा मैं आपको बताने लगा हूं कि इनमें से कौन जीतेगा। आपको मैं फैक्ट एंड फिगर, और एक सॉफ्टवेयर होता है सोशल ब्लेड जो आपको बता देता है कि किस तरह ये कौन विन कर सकता है। दरअसल ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक ठीक होता है। जैसे हमने टी सीरीज और पीडी पाए के बीच में देखा था, तो उसमें भी ये कहा गया था कि टी सीरीज जीत जाएगी, तो वो जीत गई थी। सॉफ्टवेयर दरअसल आपको आइडिया देते हैं, तो मैं आपको सोशल ब्लेड के हवाले से कहूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डकी भाई हैं उनने अपनी कंट्री यूएसए सेलेक्ट की हुई है। जी हाँ भाई, यूएसए सेलेक्ट की हुई है, और स्टार एनोनिमस की पीके है पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डकी भाई के अभी 942 सब्सक्राइबर्स हैं, और जबकि स्टार एनोनिमस के 934 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे कल तक, और डकी भाई के 942 हो जाएंगे कल तक, ये सोशल ब्लेड का कहना है। लेकिन एक चीज मैं हैरानी से देख रहा हूँ, कल मैंने देखा था स्टार एनोनिमस के सब्सक्राइबर्स थे वो 9,20,000 या 19,000 थे, लेकिन आज मैंने देखा 9,30,000 से ऊपर चले गए हैं। तो इट्स मीन 10,000 एक दिन में बढ़े हैं, और डकी भाई के इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे क्योंकि वो इतनी ज्यादा वीडियोस नहीं लगा पा रहे। मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे कि स्टार एनोनिमस के जून में 1,17,000 सब्सक्राइबर बने, एक महीने में 1,17,000 सब्सक्राइबर, जबकि डकी भाई के मसलसल नीचे आ रहे हैं। उन्होंने एक बार बढ़े हैं अप्रैल में 1,19,000 सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन अब थोड़े डाउन हो रहे हैं। तो मुझे जहां तक ख्याल है, मेरा जहां तक लगता है कि अगर स्टार एनोनिमस थोड़ी सी और स्ट्रगल करें, थोड़ा और प्रमोशन करें कि मुझे सब्सक्राइब करें, तो ये जीत सकते हैं डकी भाई से। लेकिन मैं आपको ये चीज कह दूं कि यार दोनों में से जो जीते हमारे फेवरेट हैं, और मैं तो चाहता हूं यार 1 मिलियन दोनों के एक साथ हों, एक साथ ही हों। और कोई बात नहीं, वैसे स्टार एनोनिमस ज्यादा डिजर्व इसलिए करते हैं कि वो शुरू से मेहनत कर रहे हैं और उनका काफी चैनल पुराना है, लेकिन रोस्टिंग अच्छी है डकी भाई की, और वो अच्छा कर रहे हैं। GTA 5 खेल रहे हैं, लेकिन डकी स्टार एनोनिमस पबजी खेलते हैं। पबजी तो हम सबको प्यार है, पबजी लवर है, लेकिन पबजी बैन हुई है, उसकी भी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, उसकी मैं अपडेट्स जल्दी दूंगा। उसके बाद अगर आप गिव अवे में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक वीडियो आपने पूरी देखनी है, और पूरी देखेंगे तो उसमें से कमेंट्स आपने जाके करने हैं, तो आपको इंशाल्लाह गिव अवे में शामिल किया। 5 रॉयल पास मैं पहले बांट चुका हूँ, नेक्स्ट 5 रॉयल पास जल्दी आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो दुआ कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।